Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. यार जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं Educational Hikes पर क्लास 8 के लिए इंग्लिश और साइंस की वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को, साइंस और इंग्लिश की वीडियोस को नहीं देखा है यार, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उन सारी वीडियोज को देख सकते हो जो मैंने इसके पहले अपलोड की है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उन वीडियोज की, या ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियोज को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर नंबर 6 को, क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू की हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। और मैंने चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके जरूर देखना उन वीडियोस को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6, वीडियो को लास्ट तक देखना यार। हमने इमेजेस से और बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों से आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज जॉडीज फॉन, ये जॉडी का हिरन है। चैप्टर में जॉडी नाम का एक लड़का है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी है, और जॉडी ने एक हिरन के बच्चे को पालना स्टार्ट करता है, मतलब उसको अपने घर पर ले आता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे खिलाता पिलाता है और उसे अपना दोस्त बनाता है। तो यही चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जॉडी को ये जो हिरन का बच्चा है वो एक्चुअली में मिला कहां से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। हम क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, हर बार जब खेलते कूदते टाइम हमारे घुटनों पर चोट लग जाती है, हमारे कहीं कट जाता है, कहीं हम जल जाते हैं ना, तो हम हर बार डॉक्टर के पास दौड़कर नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती है ना, उन्हीं चीजों से एक अच्छी और एक असरदार दवाई बना लेते हैं और उसको लगा लेते हैं, जिससे हमें लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ देर बाद ठीक हो जाऊंगा। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे। तो कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज, क्या आप घर के नुस्खों के बारे में बता सकते हैं, अगर आपके घुटने में चोट लग जाती है तो आप अपने घर पर रखी हुई कौन सी चीज लगाएंगे। तो यार घुटने पर चोट लग गई है तो डेटॉल लगाएंगे हम, और कॉटन से साफ करेंगे चोट को, फिर बैंडेज लगा लेंगे। चलो दूसरा, अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आप कहीं अपने हाथों में, कहीं भुजाओं में आप जल गए हो तब आप क्या करोगे। यार कहीं हम जल जाते हैं तो घर में कोलगेट रखा होता है ना, बहुत ठंडा होता है वो, तो हम उस जली हुई स्थान पर लगा लेते हैं, कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। अब बी स्टिंग, अगर आपको एक मधुमक्खी ने काट लिया है तब आप क्या करते हो, कौन सा होम रेमेडी का यूज करते हो। तो यार अगर मधुमक्खी ने काट लिया ना, तो गाँव में बोलते हैं कोई खट्टी चीज लगा लो, कोई खट्टी चीज लगा लो, हम नींबू का अचार हो गया या कुछ भी ऐसा, आम का अचार हो गया, उन चीजों को जहां पर मधुमक्खी ने काटा है वहां पर अप्लाई कर लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे होम रेमेडीज थे जो हम यूज करते हैं। चलो अब हम इस स्टोरी पे आते हैं कि इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। इस स्टोरी में ना यार, जो जॉडी के पापा हैं उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया है। अब आप पूछोगे भैया रैटल स्नेक क्या होता है, स्नेक तो हम जानते हैं, रैटल स्नेक क्या होता है। तो यार अमेरिका में ये रैटल स्नेक पाया जाता है ज्यादातर, और अमेरिका में लगभग 7,000 से 8,000 लोगों को हर साल ये सांप काटता है, लेकिन केवल 5 से 6 लोग ही इससे मरते हैं, मतलब ये सांप थोड़ा कम जहरीला होता है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. जॉडी के पापा ने क्या किया ना, जैसे ही उन्हें सांप ने काटा, उन्होंने एक हिरन, एक डो को मारा और उसके हर्ट और लीवर को अपने अंदर से जहर निकालने के लिए प्रयोग किया, यूज किया, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रैटल स्नेक काट ले तो आप किसी हिरणी के हर्ट या लीवर का यूज करके जहर निकाल लो अपने शरीर से, आप ठीक हो जाओगे। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विथाउट अ मदर। जॉडी है ना यार, वो उस हिरणी के बच्चे के बारे में सोचता है जिस हिरणी को इसके पापा ने मार दिया अपनी
जान बचाने के लिए। ठीक है, अब इस हिरणी के बच्चे के बारे में पूरी स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं। चलो पार्ट वन हम पढ़ेंगे और पार्ट टू हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो, जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉर्डी का जो बार बार ध्यान था ना यार, वो कहां पर जा रहा था? वो ड्रिफ्ट बैक, बार बार उस हिरणी के बच्चे के ऊपर जा रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। जो जॉर्डी है ना, वो अपने दिमाग से दूर ही नहीं रख पा रहा था। वो बार बार उस हिरणी के बच्चे के बारे में सोचता था। ही हैड हेल्ड इट। ऐसा लगता था ना जॉर्डी को कि उसने ना सपने में, अपने ड्रीम्स में उस बच्चे को, उस हिरण के बच्चे को पकड़ के रखा है अपनी बाहों में। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल। जब जॉर्डी ये सारी चीजें सोच रहा होता है ना, तो वो टेबल पर बैठा रहता है। वो टेबल से स्लिप उठता है और अपने पापा के बेड पर जाकर बगल में बैठ जाता है। पेनी ले एट रेस्ट। जो उसके फादर है उनका नाम है पेनी। पेनी आराम से लेटे रहते हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। जो उनके पापा की आंखें थी ना यार, वो मतलब खुली हुई थी और बिल्कुल साफ थी। बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। लेकिन उनके आंखों की जो प्यूपल्स थी, जो हमारे आंखों में ब्लैक कलर वाला पार्ट होता है ना, उसी को हम प्यूपल्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्यूपल कहते हैं। तो उनके पापा का जो प्यूपल था ना, वो अब भी थोड़ा सा डार्क था और थोड़ी सी उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि उसके पापा को सांप ने काट लिया था। अब जॉर्डी कहता है कि हाउ आर यू फीलिंग पापा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? जॉर्डी कहता है, जस्ट फाइन सन। बेटा, हम अभी अच्छे महसूस कर रहे हैं। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इट अ क्लोज सेव। उसके पापा कहते हैं, बेटा अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। जो ओल्ड डेथ है, जो मतलब जो मौत मेरी जान चुराने आई थी ना, वो कहीं और चली गई है किसी और की जान लेने। बट वॉज नॉट इट अ क्लोज सेव। लेकिन बेटा, क्या मैं बिल्कुल जरा सा नहीं बचा? मैं बहुत थोड़ा सा बचा ना। अब जॉर्डी कहता है, आई एग्री पापा। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि पापा आपकी जान बहुत थोड़ी सी, मतलब हमने समय पर आपको बचा लिया, नहीं तो आपकी जान चली जाती। पेनी सेड। अब उसके पापा कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। जॉर्डी के पापा कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू कैप्ट योर हेड। और किस लिए प्राउड है? क्योंकि तुमने क्या किया? कैप्ट योर हेड मतलब तुम एकदम मुश्किल समय में भी ना बहुत ठंडे रहे, अपना दिमाग सही तरीके से चलाते रहे। एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और तुमने वही किया जो चीज उस समय जरूरी था। मतलब तुमने मुश्किल समय में ना यार समझदारी दिखाई है। अब जॉर्डी कहता है कि पा। जॉर्डी के पापा कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। जॉर्डी कहता है कि पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। क्या आपको याद है उस हिरणी के बारे में और उसके बच्चे के बारे में, जिस हिरणी को आपने मार दिया अपनी जान बचाने के लिए? उसके फादर कहते हैं कि आई कैन नेवर फॉरगेट देम। बेटा, मैं उस हिरणी को तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी। उस बेचारी हिरणी ने ना मेरी जान बचाई है, दैट्स सर्टेन। और ये बात निश्चित है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि उसी हिरणी की वजह से आज मैं जिंदा हूं। जॉर्डी कहता है कि पा, द फॉन मे बी आउट देयर इट। जो उस हिरणी का बच्चा होगा ना, वो हो सकता है उसी जंगल में हो अभी तक। इट माइट बी हंग्री। शायद वो भूखा हो पापा, शायद वो डरा हुआ हो, क्योंकि उसकी माँ को तो आपने मार दिया अपनी जान बचाने के लिए। अब जॉर्डी के पापा कहते हैं, आई सपोज सो। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा कि उसका उसका जो बच्चा था उस हिरणी का, वो कहाँ पर होगा? अब जॉर्डी कहता है कि पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ। पापा देखो, अब मैं एक बड़ा बच्चा हो चुका हूं। एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों ना मैं जंगल वापस जाऊं और देखूं कि मैं उस हिरण के बच्चे को, उस फोन को ढूंढ पाता हूं कि नहीं। एंड ब्रिंग इट हियर। और उसके पापा जब इतना सुनते हैं, कहते हैं कि और तुम उस फोन को, उस हिरणी के बच्चे को अपने घर पर लाना चाहते हो? जॉर्डी कहता है कि हाँ, अपने घर पर लाना चाहता हूं। एंड रेज इट, और मैं उसे पालना चाहता हूं पापा।
पेनी कहते हैं। पेनी एकदम शांति से लेटे रहते हैं, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत की तरफ घूर रहे होते हैं। अब पेनी कहते हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। हेम्ड इन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिस सिचुएशन में मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता हूं बेटा। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, जॉर्डी अपने पापा को और दिलासा देता है, कहता है कि पापा बहुत कुछ नहीं करना होगा हमें उस हिरन के बच्चे को पालने के लिए। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीप्स एंड एकॉर्न्स, वो हिरन का जो बच्चा है ना वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा ना वो पत्ते खाना स्टार्ट कर देगा, वो एकॉर्न्स खाना स्टार्ट कर देगा। एकॉर्न्स का मतलब क्या होता है, हमारे गांव में बलूत होता है ना, बलूत का पेड़, बलूत को ही हम एकॉर्न्स कहते हैं। अब एकॉर्न्स का मतलब आप समझ लो स्मॉल ब्राउन नट्स, मतलब कि भूरे कलर का एक नट होता है। तो जॉर्डी कहता है कि पापा जो ये हिरण का बच्चा है ना इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो ये पत्ते खाना चालू कर देगा और एकॉर्न्स खाना चालू कर देगा। अब जॉर्डी के पापा कहते हैं कि यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, बेटा तुम अपने उम्र के लड़कों से अभी काफी चालाक हो चुके हो, तुम काफी स्मार्ट हो गए हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, जॉर्डी कहता है कि पापा हमने उस हिरण के बच्चे के मां को तो मार दिया, उसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है, इस बेचारे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। अब उसके पापा कहते हैं कि श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, हाँ बेटा मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बिल्कुल एकदम एहसान फरामोशी होगी, बिल्कुल गलत होगा कि अगर हम उस हिरन के बच्चे को वहीं जंगल में भूखा मरने के लिए छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता बेटा। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, जब उस स्नेक ने मुझे काटा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि शायद ही मैं जिंदा रह पाऊं, शायद मैं दूसरा दिन देखने के लिए जिंदा रह पाऊं कि ना रह पाऊं, ये मैंने सोचा नहीं था, और उसी हिरड़ी की वजह से आज मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। जब जॉर्डी देख लिया कि उसके पापा मान गए हैं तो वो कहता है कि कैन आई राइड विथ मिलविल, पापा क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूं और उस हिरण को ढूंढ सकता हूं जंगल में। अब मिलविल का मतलब क्या होता है ये देख लो, मिलविल यार यहां पर ना ये जो बाक्स्टर फैमिली है, मतलब जो जॉर्डी है, जो जॉर्डी के पापा हैं और इसकी मम्मी है ना, इनके घर का एक जाना पहचाना व्यक्ति है मिलविल, जिसके पास क्या है, घोड़ा है। तो जॉर्डी कहता है कि पापा मैं मिलविल के साथ जा सकता हूं जंगल और उस फॉन को मैं वहां पर जाके ढूंढ लूं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अब पेनी मतलब जॉर्डी के पापा कहते हैं कि अपनी माँ से कहना कि मैंने कहा है कि तुम जंगल जा सकते हो, मतलब मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है, ऐसा अपने माँ से कह देना, वो तुम्हें जाने देंगी। अब जॉर्डी क्या करता है, सिडल्ड बैक, शांति से टेबल पर आके बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ ना सबके लिए कॉफी बना रही होती है। ही सेड माँ passes I can go bring back the fawn, अब जॉर्डी कहता है कि मम्मी पापा ने कहा ना कि मैं वापस जंगल जा सकता हूं और उस हिरन के बच्चे को मैं ला सकता हूं। अब उसकी माँ कहती है she held the coffee pot in mid air, अब देखो उसकी माँ कॉफी बना रही थी तो जैसे ही वो कप में कॉफी डाल रही थी ना तो जॉर्डी ने पूछा कि माँ मैं वापस जंगल जाके उस हिरन के बच्चे को ला सकता हूं, तो उनकी माँ का जो वो जग था ना कॉफी वाला जो पॉट था वो हवा में ही लटक गया, वो कह रही है व्हाट फॉन, कौन से हिरन के बच्चे की बात कर रहे हो तुम। जॉर्डी कहता है कि द फॉन बिलोंगिंग टू द डो, वही फॉन जिसकी माँ को हमने मार दिया, वी यूज्ड द डोस लीवर, हमने उस हिरड़ी के लीवर का प्रयोग किया ताकि हम जहर निकाल सके और पापा को बचा सके, उसी के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। अब उसकी माँ क्या करती है, गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं फॉर पिटी सेक, भगवान के लिए उसे यहां मत लाना। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, जॉर्डी कहता है कि पापा कहते हैं ना मम्मी कि ये बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी, ये बहुत ही गलत होगा कि अगर हम उस हिरन को वहीं जंगल में भूखा मरने के लिए छोड़ दूं।
अब डॉक विल्सन एक नए इंसान यहां पर आते हैं। डॉक विल्सन कौन है? डॉक विल्सन का पूरा नाम डॉक्टर विल्सन। डॉक्टर विल्सन आए हुए हैं ताकि वो जॉडी के पापा को ठीक कर सकें। ठीक है, डॉक्टर है ये। चलो, तो डॉक्टर विल्सन कहते हैं, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। डॉक्टर विल्सन भी उनकी माँ को समझाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा सही कह रहा है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलती है। उस हिरन ने आपके पति की, मतलब जॉडी के पापा की जान बचाई है और हमें उसके बच्चे का ध्यान रखना ही चाहिए। ये बच्चा भी सही है और इसके पापा भी सही बोल रहे हैं। मिलविल सेड, ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड आउट। मिलविल कहता है कि आप चिंता ना करिए, ये जॉडी ना मेरे साथ घोड़े पर बैठकर जंगल जा सकता है और मैं इसकी मदद करूंगा उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में। सी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। अब उसकी माँ ना जब देख है कि सभी लोग जॉडी के ही फेवर में हैं, तो वो बहुत ही असहायता से वहीं पर अपना जो कॉफी वाला बर्तन होता है उसी टेबल पर रख देती हैं और कहती हैं कि वेल, इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, चलो ठीक है तुम ले आओ उस हिरन के बच्चे को, लेकिन मैं तभी रखूंगी जब तुम अपना दूध उसे पीने के लिए दोगे, क्योंकि वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि हमारे पास और कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको खिला सकें। अब मिलविल कहता है, कम ऑन बॉय, चलो बच्चे, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, अब हमें घोड़े पर बैठकर वापस जंगल चलना है, क्योंकि तुम्हारे पापा भी मान गए हैं और तुम्हारी मम्मी भी मान गई हैं। माँ बाक्स्टर सेड एनग्जियसली। अब जब जॉडी जंगल जा रहा होता है तो उसकी माँ को जॉडी की चिंता होती है और वो एनेक्सियसली बहुत ही चिंतित होकर पूछती हैं कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, बेटा तुम लंबे समय के लिए तो नहीं जा रहे हो ना, मतलब तुम जल्दी वापस आ जाना। जॉडी कहता है, आई विल बी बैक बिफोर डिनर, मैं रात के खाने का टाइम होते होते ना उसके पहले ही मैं आ जाऊंगा पक्का। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। जो मिलविल रहता है, ये जो इंसान है ना, वो घोड़े पर चढ़ता है, अपने घोड़े की लगाम पकड़ता है और जॉडी को भी हाथ पकड़कर घोड़े पर बिठा लेता है, मतलब खींच लेता है। ठीक है, ही सेड टू मिलविल। अब ये जो जॉडी है वो मिलविल से कहता है कि डू यू थिंक द फॉन इज स्टिल देयर, क्या तुम्हें लगता है कि वो जो हिरण का बच्चा है वो अब भी वही जंगल में होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में? अब मिलविल कहता है कि वी विल फाइंड हिम, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। इफ ही इज अलाइव, अगर वो जिंदा होगा तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हाउ यू नो इट्स ही, लेकिन तुम्हें कैसे पता वो हिरन का जो बच्चा है वो मेल है, वो फीमेल क्यों नहीं हो सकता? तो अब जॉडी कहता है कि द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, मैं इसलिए ऐसा कह सकता हूं कि वो जो हिरन का बच्चा है ना वो नर है, वो एक मेल है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जो उसकी स्पॉट्स हैं, जो उसकी स्किन पर ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के धब्बे पड़े हैं ना, वो एक लाइन में पड़े हुए हैं। ऑन अ डोफोन, एक जो मेल हिरन का बच्चा होता है ना वो कैसा होता है? पापा मेरे कहते हैं कि उसके पूरे स्किन पर स्पॉट्स होता है और वो स्पॉट्स कहां कहां पर होता है? हर दिशा में होता है। इस वजह से मुझे पता चला कि वो जो हिरन का बच्चा था ना उसके स्किन पर हर जगह काले काले धब्बे पड़े थे, जिससे मुझे पता चल गया कि वो हिरन का बच्चा मेल है, वो फीमेल नहीं है। एवरी विच वे का मतलब क्या होता है? हर दिशा में फैले हुए होना। ठीक है, ओके, तो आई होप प्यार कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।